जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वैसे तो मैं बच्चन साहब के फ़ोटो कलेक्शन करता हूँ और इनका बहुत बड़ा कलेक्शन मैंने अब तक कर चुके हूँ। लगभग 7,000 फ़ोटोज़ के करीब है। लेकिन इसके साथ मैं एक एंटी कलेक्टर भी हूँ, जिसके तहत देखिए मैंने ये एक टोक्यो ओलंपिक की बुक कलेक्ट की थी, जो मेरे पुराने कलेक्शन में से मिल गई। दोस्तों, ये बुक मिलना बहुत ही बड़ी बात है और शायद ही ये इंडिया में किसी के पास हो। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 1964, हमारे देश का फ्लैग भी इसमें आप देख सकते हैं। और जब नीरज चोपड़ा, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने एशियन गेम, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सर्वप्रथम भारतीय बने थे। ये देखिए, एशियन गेम्स का ये पेपर भी मैंने कलेक्ट किया हुआ है उस वक्त का, और ये रहा इस साल का। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने जो ये कलेक्ट ये किया है कारनामा, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये एकमात्र ऐसे इंसान बन गए देश के हमारे। और आप इसके साथ ये देखिए बुक्स, इस बुक्स के एक एक पन्ने में आपको पलट के दिखाऊंगा, शायद अभी आपको ऐसी कलेक्शन देखना ना मिले। बहुत ही लाजवाब बुक है ये। इसमें ये जापान का मैप और ये उनके यहाँ के फोटोज़, ज़्यादा मैं डिटेल्स तो आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बहुत ही मोटी बुक है तकरीब। और ये देखिए, इतना बड़ा फ़ोटो है इसके अंदर। दोस्तों, बहुत मुश्किल है ऐसी बुक मिलना, स्पेशली ये वीडियो में हमारे गोल्ड मेडलिस्ट और उन सभी खिलाड़ियों को जो जीते हैं या हारे हैं, उन सभी को ये डेडिकेट करना चाहूँगा कि वो हमारे देश के लिए वो खेले, उन्होंने कोशिश पूरी की। ये देखिए आप, एक से एक इस बुक के अंदर देखिए, फर्स्ट मशाल ले जाते हुए, और उसके बाद ये एथेंस से शुरू हुई, तो इसका टोटल सब इन्होंने दिखाया हुआ है। मैं आपको कोशिश करूँगा पूरी किताब आपको दिखा पाऊँ। आप देखिए, ऐसी किताब देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये गोल्ड मेडल जो भी है वहाँ के लेते हुए, टॉर्च जाते हुए, और ये टॉर्च आगे बढ़ती हुई, देखिए आप, एक से एक दूसरे देशों में क्रॉस करते हुए इन्होंने सब दिखाया हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देखिए, जापान में 1964 में ये, और उसके बाद तब से ये कलेक्शन की हुई बुक अभी तक भी है यहाँ पर। ये एथेंस की फोटोज है, ये जापान लग रहा है, ये रहा एथेंस, एथेंस देखिए, डबल पन्ने हो गए। ये देखिए एक एक, अब इस क्वालिटी और इसको इतनी अच्छी तरह से हमने संभाल के रखा है। अगर नीरज चोपड़ा जी से हमें मिलना हुआ तो ज़रूर हम इन पे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करेंगे और इसको किसी चैरिटी में भी हम दे सके, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे ये गुजारिश है कि अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कभी हमसे मिलना हो तो आप हमें अपना ऑटोग्राफ दें। ऐसी पिक्चर क्वालिटी देखना बहुत मुश्किल है, मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय में जो चीज़ें बनती थी, पेपर क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है कि आप देख के ही दिल खुश हो जाता है। एक से एक चुनिंदा, जापान, इटली, अब देखिए, लेडीज में ऑटोग्राफ देते हुए, ये वहाँ के ब्रिजेस अब हमारे देश में बनने शुरू हुए, ऐसी सब टेक्नोलॉजी अब आ रही है। वहाँ पे कितने सालों से बुलेट ट्रेन भी आप देख सकते हैं, जो अब भारत में अब आ रही है। ये आप देखिए, पेरिस, हमारा नेशनल फ्लैग,
एकदम उमदा क्वालिटी है इसमें। यही फ़ोटो मैंने आपको भी आगे दिखाई थी, लेकिन इसमें यहाँ से ये फ़ोटो थोड़ी सी फट चुकी है, थोड़ी डैमेज हो चुकी है, लेकिन इतने साल पुरानी है इसलिए ओके। लेकिन अब ये क्वालिटी इस तरह की मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमने पूरी कोशिश की है कि आप सब देखिए, ये देखिए सभी देशों के अपने फ्लैग्स लेके आगे चलते हुए। छः मिनट हो गए मुझे पन्ने पलटते हुए, अब तो शायद ऐसी बुक कोई बनाए या ना बनाए, लेकिन आप लोग को देखना ज़रूरी है। ये उस वक्त के कोई है रनर, इनका नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने क्वालिफाई किया और जीते भी है लाइक। लेकिन इतना सब दिखाने में बहुत, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको इस पिक्चर क्वालिटी और इस बुक को दिखाने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है, और स्पेशली गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी को हमने ये डेडिकेट किया है, समर्पित। आप इस वीडियो को देखेंगे आपको पता चलेगा कि तब के खेल, अब के खेल और ये सब चीज़ में कितना फ़र्क है। इसमें जेवलिन थ्रो भी अभी इसमें आएगा, अभी इस वक्त स्विमिंग का ये चल रहा है, जिमनास्टिक। देखिए एक एक क्वालिटी पिक्चर फोटोज बहुत मुश्किल है, ऐसा कलेक्शन मिलना ही अब मुश्किल है बहुत। आप देखें कुश्ती रेसलिंग उसमें जीतते हुए, और उसी के साथ ये कराटे, वेट लिफ्टिंग्स, ये देखिए वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल वहाँ का बॉल, और ये खेलते हुए लोग। अब मेरे हाथ थकने लग गए हैं, लेकिन मैं अभी भी पन्ने पलट रहा हूँ, पन्ने 185 नंबर आ गया है, ये देखिए। अब ये यार्टिंग और ये रोविंग एवेरियम, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, शूटिंग, और ये बास्केटबॉल ही अभी चल रहा है, साइकिलिंग। अब ये बुक जब छपे या ना छपे अब इस साल की, लेकिन मैंने आपको 1964 की ये प्रिंट आपको दिखाई, ये देखिए ऐसे ऐसी पिक्चर क्वालिटी और फोटोज ही। मैं इस वक्त पन्ने पलट रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ आपको इसमें कैसे बताओ, मैं ये सोच रहा हूँ ऐसी क्वालिटी ही नहीं मिल पाएगी अभी आपको। क्या शानदार बुक है, अब देखिए मैं उस पन्ने का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें जब भाला फेंक जो जेवलिन थ्रो करते हैं वो पन्ना जब आए तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहे उस वक्त के गोल्ड मेडल, सिल्वर ब्रॉन्ज, देखिए आप दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ चीज़ है ये बुक, शायद देखने ना मिला। कि हम इसको संभाल के वापस रख देंगे और सही समय पर इसको किसी एनजीओ की मदद से हम डोनेट कर देंगे, जिससे ये सही जगह पर भी पहुंच जाए और हमारे देश को भी कुछ फ़ायदा हो और पर्यावरण की कोई सेवा कर सके। इसी उद्देश्य से हम लोग ये कलेक्शन करते हैं जिससे सही समय पर उपयोग ले सके, ऑक्शन करके भी हम कैसे भी इसकी सेवा कर सके। एक एक फ़ोटो क्वालिटी आप देखिए, ब्लैक एंड वाइट भी है, कलरिंग भी है। उस पन्ने का इंतज़ार हो रहा है
जब उस वक्त के गोल्ड मेडलिस्ट और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट का हम कंपेयर यहाँ करेंगे। अब शायद करीब ही है, लगभग 255 पन्ने आ चुके हैं। वीडियो लंबा बहुत हो रहा है, लेकिन आप रखिए, ये देखिए, ये इसी पन्ने की मैं बात कर रहा था। उस समय जब उन्होंने जब पार्टिसिपेट किया था, तब थे फिनलैंड के जेवलिन थ्रोअर पॉली लॉरी नेवलिया, जापान के तकाशी मिकी और रोमानिया के लेबेंस वुमन्स एक लेडीज, और ये है हमारे यहाँ के हमारे नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल्स। ये देखिए, एशियन गेम में भी उन्होंने इतिहास रचा और ओलंपिक में भी इतिहास रचा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आगे और भी ये रिकॉर्ड बनाते जाए और देश का नाम करते जाए। देखिए दोस्तों, ये रहा पन्ना, 259वें नंबर पे पन्ना आया है। अब इसके साथ मैं आपको ये पूरी किताब यहाँ पे ख़त्म करके ही दिखाऊंगा, जिससे आपको ये दुर्लभ किताब बार बार देखने को ना मिले, लेकिन इस वीडियो के द्वारा आप लोग सब देख सके। तो आप देखें और आगे शेयर लाइक करें। हमारे द्वारा जो भी चैनल्स पे पैसे आएंगे या जो भी आते हैं, हम लोगों की चैरिटी या ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाने या वृक्षों को लगाने में ही उपयोग करेंगे। ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। ये एक वीडियो हम पहला आपको शेयर कर रहे हैं, आज से शुरुआत की है। तो आप देखिए, ऐसी चीज़ शायद अब दोबारा देखने को ना मिले। हमारे प्लेयर जो खेले थे ये गेम फेंसिंग, इसके साथ ये पैरा ओलंपिक्स की भी इन्होंने ये बुक में सब आ गए हैं। तो आप देखिए कि पन्ने कितने हुए, पन्ने 293, 293 पन्ने। अब लगभग ये समाप्ति की ओर है और मैं पूरी बुक ख़त्म करके ही आपको दिखाऊंगा। आप देखें, ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स। कोशिश हमने पूरी की है कि सब चीज़ आपको दिखा सके, अब की और उस वक्त की। अब ये टोक्यो की पुरानी संस्कृतियों के और प्राचीन चीज़ों की जानकारी देते हुए, देखिए आप, बहुत ही यूनिक चीज़ बुक। मुश्किल है, इतना पढ़ के तो मैं आपको नाम नहीं बोल पाऊँगा सबके, लेकिन आप देख सकते हैं पॉज कर करके। अगर आपको इंटरेस्ट हो आप पढ़ो, सब आपको आइडिया आएगा। बास्केटबॉल और ये सब नेशन जिनमें से सबके बारे में, वाटर पोलो, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। बहुत ही उमदा किताब और नामुमकिन चीज़ अब ना मिल पाएगी दोबारा, और शायद आपको देखने को मिल गई। अब ये देखिए कितनी मोटी किताब है, ये है, ये एक इसका पन्ना छोटा सा फटा हुआ है, पूरा बाइंडिंग किया हुआ। और ये हम डेडिकेट करेंगे किताब नीरज चोपड़ा जी और हमारे सभी देशवासियों का तरफ से आपको बधाई, और हमारी तरफ से भी जय हिंद, जय भारत।